नमस्कार, खबर भारत देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राखी और आज हमारे खास कार्यक्रम सुनो सरकार में आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज का विषय घातक अंधविश्वास। मुझे लगता है आप सब समझ गए होंगे इस विषय पर चर्चा क्यों जरूरी है, इस विषय पर आपकी क्या राय हो सकती है और वाकई में ये होता है नहीं होता है, इसकी ज़रूरत कितनी लोगों को होती है, क्योंकि हम इससे जुड़ी बहुत सारी खबरों को देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं ये एक चर्चा का विषय ज़रूर बना कि ये घातक अंधविश्वास इसलिए क्योंकि कई बार लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हो जाते हैं कि ऐसी ऐसी खबरें भी हमने देखी हैं कि यकीन नहीं होता कि लोग इतने ज़्यादा अंधविश्वासी हो सकते हैं। तो देखिए, आज हम इस पर चर्चा भी करेंगे और इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं कि क्या वाकई झाड़ फूंक तंत्र मंत्र क्रियाएँ होती हैं, उनका कितना महत्व होता है और इन सब चीज़ों से क्या वाकई कोई व्यक्ति वाकई ठीक हो सकता है या फिर सिर्फ और सिर्फ एक अंधविश्वास है। आप लोगों की क्या राय है आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं, नंबर डिस्प्ले हो रहा है, आप कॉल कर सकते हैं और अपने सुझाव हम तक पहुंचा सकते हैं। मैं इस चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। हमारे साथ स्टूडियो में मेहमान मौजूद हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं नितेश बघेल। नितेश, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए। मैं सबसे पहले तो यही जानना चाहूंगी नितेश, आप क्या सोचते हो घातक अंधविश्वास, क्योंकि जो तंत्र क्रियाएं होती हैं वाकई होती हैं, इनका क्या कोई महत्व होता है? क्योंकि हमने बहुत ज़्यादा देखा है, खासतौर पर मध्य प्रदेश की हम बात करें और बहुत सारे ज़िले हैं अलग अलग जहाँ पर लोग करते हैं साधना, उनको मानते हैं, लोगों में भी गांव वगैरह की यदि हम बात करें तो ज़्यादा होता है। आपका क्या मत है? अब जैसा कि आपका टॉपिक ही है घातक अंधविश्वास, जो उसमें घातक शब्द है वही अपने आप में बता रहा है। अक्सर क्या होता है, लोगों को जानकारी नहीं होती और जानकारी के अभाव में लोग गलत चीज़ों में फंसते चले जाते हैं। तंत्र विद्या होती है, लोगों को झाड़ फूँक और इन सब के चक्कर में कई बार है लोगों की जान पर आ जाती है। इसलिए जो अंधविश्वास लोगों का होता है, धार्मिक किसी भी चीज़ का धार्मिक में है तो आस्था अपनी जगह है और उसके वो जब धार्मिक आस्था बिना जानकारी के अंधविश्वास में परिवर्तित हो जाती तो लोगों की जान पे पड़ आती है। बिल्कुल। चलिए, हमारे साथ मिसरोद से जितेंद्र सेन जुड़ गए हैं। जितेंद्र, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? जितेंद्र, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हेलो जितेन, अपनी बात रखिए। नमस्कार मैम जी। मैम, मेरा ये मानना है आज अपन इतने अच्छे उसमें जी रहे इस काल में, लेकिन लोग भावों को अंधविश्वास में जाने क्यों भरोसा होता है? मेरे हिसाब से मुझे लगता है, ये मेरा मानना है कि ये जो अंधविश्वास करते ये ढोंगी बाबा जो है गलत बोली, आज की आम जनता गलत है जो इन लोगों को इतना बढ़ावा दे रही है। हेलो, क्या होना चाहिए, लोगों को कैसे इसके लिए जागरूक करेंगे, क्योंकि गांव में तो अभी भी ऐसा होता है। मैडम, मेरी बात सुनिएगा, नहीं हो पाएंगे। मैं जान चुका हूँ अपने यहाँ के लोगों को, आप जितना समझेंगे वो तो वही है कि भेद के आगे पिंड बजाने वाली बात है, जो चीज होना नहीं है। आजकल जैसे ऐसा कांड होने लगता है, आपने जिस माने नौ महीने पेट में अपने बच्चों को पाला है, एक पंडित ढोंगी के कहने पर आप उसकी बलि दे रहे हो, तो ये कहाँ का नया है? मुझे तो ये बताइए, आपने उसको जन्म दिया, आपको दुनिया में लाए, खूबसूरत दुनिया में, वही ढोंगी कहने पे आपने इतना अंधविश्वास कर लिया कि आपका मतलब विश्वास हो जाएगा और आप अपने बच्चे की बलि दीजिए, ये कहाँ का नया है? मैं आपसे पूछता हूँ मैडम ये सवाल। बिल्कुल बिल्कुल सही है, बिल्कुल ठीक बात है। और देखिए, मकसद यही है इस चर्चा का कि क्या सुझाव आप लोगों के हैं, शायद इस मंच के माध्यम से और यहाँ पर जो सुझाव निकलेंगे, जो बात निकलेंगी, हम कुछ लोगों को जागरूक कर पाए। जितेन, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपनी बात रखने के लिए। नितेश, एक बात देखिए, बहुत स्पष्ट इन्होंने बोली कि वाकई में एक एग्जाम्पल भी उन्होंने दिया कि आप 9 महीने आप अपने बच्चे को पेट में रखते हैं और आप किसी के कहने पर, किसी बाबा के कहने पर यदि उस बच्चे की बलि दे दें तो वाकई में ये अंधविश्वास कैसा अंधविश्वास है और आप किस चीज़ के लिए कर रहे हो? मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ों को लोगों को पता नहीं कैसे वो लोग मान रहे हैं और लोगों को कैसे जागरूक किया जाए, क्योंकि वो कह रहे हैं कि यहाँ के लोग वाकई में इतने पागल हो चुके हैं कि वो समझने की कोशिश भी नहीं करते। देखिए, सब कुछ जो अंधविश्वास है सब कुछ खेल है डर का, लोगों के अंदर में डर पैदा किया जाता है। चाहे ये जो ढोंगी बाबा हैं, ये सब चीज़ डर का व्यापार कर रहे हैं। जितना आप लोगों को डराएंगे उतना ज़्यादा लोग अंधविश्वासी होते चले जाएंगे। उनमें डर पैदा किया कि ऐसा नहीं करोगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, उसके साथ ऐसा हुआ था, फला के साथ वैसा हुआ था। इस डर के कारण ही ये ढोंगी बाबाओं का व्यापार बढ़ रहा है और जनता जो ग्रामीण क्षेत्र की है उतनी जागरूक नहीं है।
अभी भी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से उतना उनका सरोकार नहीं है, तो लोगों को जानकारी नहीं है, विज्ञान की समझ नहीं है, इसलिए वो बेवकूफ़ बनाते जाते हैं और इस तरह की घटनाएं होती हैं। आपके दिमाग में ऐसी ऐसी बातें भरते चले जाएंगे ये बाबा लोग कि आप उनके एक बार चक्रव्यूह में फंस गए तो फिर फंसते ही चला जाता है। और वो क्या कर रहे हैं, उनने अपने बच्चे की बलि दे दी, उनको पता भी नहीं कि उनने क्या कर दिया। तो इसका यही है कि इसमें समाज को, प्रशासन को ज़्यादा एक्टिव अपना रोल निभाना पड़ेगा। प्रशासन जब तक आगे नहीं आएगा, ऐसे बाबाओं पे नकेल नहीं कसेगा, तो सिर्फ लोगों को समझाइश देके इस चीज़ को ख़त्म नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। और भोपाल से कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, प्रखर मालवीय। प्रखर, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? क्वेश्चन ये है कि आपने जो जो कार्यक्रम उठाया है अंधविश्वास का, ये तो बहुत अच्छा है, लेकिन क्या अंधविश्वास आपको हिंदू धर्म में ही नजर आता है? क्या मुस्लिम धर्म में अंधविश्वास नहीं है? क्या सिखों में अंधविश्वास नहीं है? क्या छुआछूत वहाँ नहीं है? क्या क्रिश्चियनों में अंधविश्वास नहीं है? आप कई सारे वीडियो अवेलेबल होते हैं नेट पर, लेकिन ये टारगेट ऐसा क्यों किया जा रहा है? मतलब ठीक है, आपने ये उठाया जो है मुद्दा उठाया है, बहुत अच्छा है, मतलब ऐसी अंधविश्वास चीजों के खिलाफ होना चाहिए, लेकिन ये एक तरफा ही मुझे लग रहा है टॉपिक आपका। नहीं, प्रखर, मैं आपको थोड़ा सा क्लियर करूं, ऐसा कहीं भी आइडेंटिफाई तो नहीं है कि हम सिर्फ एक वर्ग विशेष को लेके बात कर रहे हैं, हम घातक अंधविश्वास पर बात कर रहे हैं। ये घातक अंधविश्वास जो बाबा होते हैं या जो तंत्र क्रियाएं करते हैं या जो इस तरह की बातें होती हैं, हम मध्य प्रदेश की बात करें, आप दूसरे जगह का भी आप दे सकते हैं उदाहरण, तो उसमें सभी तरह के लोग हैं कि कौन होता है कौन नहीं होता है। ये ओवरऑल सबके लिए कि जो इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं जो करते हैं वो कितनी सही होती हैं, या इसके लिए ये सिर्फ अंधविश्वास है या वाकई में कुछ ना कुछ इसका असर होता है? अभी आपने जो वर्ड बोला बाबा, ये क्या सिर्फ हिंदू में ही तो होता है? आप अगर मौलवी बोलती हैं इसमें, पादरी बोलती हैं, ढोंगी बाबा? नहीं प्रखर, देखिए ढोंगी बाबा आप ऐसे कैसे बोल रहे हैं कि ढोंगी बाबा सिर्फ हिंदू धर्म में होते हैं? बाबा तो कोई भी हो सकते हैं जो अंधविश्वास कर रहे हैं। कहा कि केवल आप ढोंगी बाबा इस्तेमाल करिए, आप बाबा की जगह कोई दूसरा वर्ड भी इस्तेमाल कर सकती हैं। देखिए प्रखर, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इतना क्लियर करने की आपको जरूरत नहीं है यहाँ पर, और मैंने आपको बहुत क्लियर भी किया है कि हम किस विषय पर ओवरऑल लेकर बात कर रहे हैं, तो पॉइंट को नहीं पकड़ना। आपका सुझाव हो इस पे, आपको क्या लगता है ये कितना सही है वो आप बताइए। नहीं, मैंने तो ये कहा है कि आपने जो मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये आपका जो पीछे वीडियो दिख रहा है उसमें तो केवल हिंदू धर्म के ही मुझे लोग दिखते नजर आ रहे हैं। आपको थोड़ा सा आइडेंटिफाई ये भी करना चाहिए कि अंधविश्वास या बहुत ज्यादा अंधविश्वास हर जगह होता है। बस मेरा यही कहना है। ठीक है, मतलब आपको लगता है ये जो चीजें होती है ये कितनी सही हैं आप बताएंगे? आप मानते हैं अंधविश्वास को? नहीं, ये जो चीजें हैं बिल्कुल गलत हैं, बिल्कुल सरासर गलत हैं। इन अंधविश्वासों में कई व्यक्तियों को जो है हिंसा दिक्कत होती है, उनका नुकसान होता है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा सब कुछ होती है, इसमें शामिल होता है। तो ये बिल्कुल सही है, आपने मुद्दा उठाया, लेकिन मेरा बस कहने का मतलब ये था कि ये जो मुद्दा है मुझे कहीं ना कहीं एक वर्ग विशेष को या कहें कि धर्म विशेष को आइडेंटिफाई कर पाए। चलिए देखिए, क्योंकि आप हमारे कॉलर हैं, आपकी व्यक्तिगत राय हो सकती है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पता नहीं आपको ऐसा क्यों लगा। बहरहाल जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो प्रखर हमारे साथ जुड़े थे, पता नहीं ऐसा क्यों लगा इनको कि हम किसी वर्ग विशेष को लेकर ये बात कर रहे हैं। अमूमन हम मध्य प्रदेश की बात करें, दूसरे स्टेट्स की बात करें, ये चीज़ें यदि सब जगह होती हैं या इस तरह की चीज़ें होती हैं ये कितनी सही हैं, आपको इस पर अपनी राय देनी है। वो किसी भी धर्म के लोग कर रहे हों, हम किसी भी धर्म पर नहीं जा रहे, ना हम हिंदू धर्म पर हैं ना हम मुस्लिम धर्म पर, हम वर्ग विशेष की बात नहीं कर रहे हैं। अंधविश्वास में जो ढोंगी या पाखंडी लोग होते हैं या जो इस तरह की चीज़ें करते हैं या लोगों का जो एक अंधविश्वास उनके प्रति हो जाता है, उसकी आड़ में हमने तो बहुत सारे क्राइम भी देखे हैं ना, कितनी चीज़ें होती हैं, महिलाओं के साथ कितना गलत हो जाता है, लोग बलि दे देते हैं अपने बच्चों की। तो मुझे लगता है उस पर आपके क्या सुझाव हैं वो आपको देना है। मैं ये बात एक बार फिर से यहाँ इसलिए क्लियर कर रही हूँ क्योंकि हमारे बहुत सारे कॉलर्स हैं जो जुड़ते हैं, ताकि उनको इस तरह का कोई भी डाउट बिल्कुल ना रहे। चलिए सतना से हमारे साथ सुनील तिवारी जुड़े हैं। सुनील जी, बहुत स्वागत, जुड़ने के लिए क्या कहना चाहते हैं? मैडम पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा, दूसरा बात मैं ये कहूंगा कि भारत में तंत्र साधना का इतिहास बहुत पुराना रहा, वैदिक संस्कृति और सभ्यता का काल रहा है जिसमें तंत्र साधना का प्रयोग लोग भौतिकवाद से जो है तो मुक्ति के लिए करते थे और जंगल में करते थे और बड़े बड़े ऋषि मुनि करते थे और उसका एक उपयोग सही दिशा दशा के लिए करते थे और उसका उपयोग जो है उचित करते थे। लेकिन वर्तमान में केवल और केवल तंत्र साधना एक अंधविश्वास बन गया है।
मतलब के लिए करते हैं, और कुछ ढोंगी लोग ऐसे हो गए हैं जो ढोंग करते हैं महिलाओं के साथ अत्याचार। अक्सर ऐसे मामले आते हैं कि तंत्र साधना के नाम पे महिलाओं को झाड़ फूंक के नाम पर के बुलाया जाता है, उनको अलग ले जाते हैं ये लोग, और अलग ले जाने के बाद कई बार तो ऐसे केसेस आते हैं कि उस बाबा ने जो है उसके साथ बलात्कार कर दिया, और ऐसे केसेस फिर जो है तो न्यायालय तक चले जाते हैं, पुलिस तक जाते हैं, पुलिस उठाती भी ऐसे लोगों को। और सबसे बड़ा काम ये करते हैं कि ये जो ढोंगी लोग होते हैं तंत्र साधना के नाम पे, उन लोगों से जो पीड़ित हैं, प्रताड़ित हैं मानसिक रूप से, किसी रूप से, जबकि और किसी समस्याओं से घिरे हैं, तो यह कह करके कि आपको हम झाड़ फूंक करके, अन्य चीजों को करके, हम पूजा पाठ करा करके ठीक कर देंगे और उनसे एक मोटी रकम ले लेते हैं, जो एक गलत है और केवल अंधविश्वास है, और वो केवल और केवल क्राइम कर रहे हैं। मुझे लगता है इस पर तत्काल बंद होना चाहिए, और ऐसे लोग जो ढोंग फैलाते हैं, अंधविश्वास फैलाते हैं, जो गरीबों के साथ, जो पीड़ित लोगों के साथ, परेशान लोगों के साथ ऐसा करते हैं, उनके ऊपर मुकदमा पंजीबद्ध होना चाहिए और उनको जेल भेजना चाहिए। ये केवल और केवल मजाक बना रहे हैं उन तंत्र मंत्रों का जो हमारी वैदिक संस्कृति और सभ्यता का स्वरूप रही है, और जिनसे जो है बड़ी बड़ी शक्तियां अर्जित करते थे ऋषि मुनि। तो मुझे लगता है कि ये वर्तमान में केवल झाड़फूंक के नाम पे अपराध करते हैं, उनसे लूट करते हैं, और ऐसे लोगों पर केवल और केवल जेल की सजा होनी चाहिए, इनको मुकदमा करना चाहिए, क्योंकि ये केवल अपराध करने के लिए ऐसा करते हैं, इनसे कुछ भी नहीं होता और ना इनके करने से कभी आज तक कुछ हुआ। बिल्कुल, चलिए सुनील जी बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और बहुत अच्छी बात भी आपने रखी। देखिए ये बात हम यदि पुराना इतिहास उठा के देखेंगे, उन्होंने भी बहुत क्लियर किया है, तो कुछ लोगों के पास शक्तियां होती हैं। देखिए वो उनकी साधना होती है, वो उनका काम अलग होता है, वो इस तरीके से नहीं करते हैं कि आप यदि बुखार में हैं तो आप ठीक हो गए, आपको डॉक्टर के पास जाना होगा। ये चर्चा इसलिए रखी गई है क्योंकि गांव में अमूमन हमने देखा है ऐसे लोग नहीं होते, उनको लगता है पहले हम पास में यदि कोई बाबा हैं या जो भी वहां देखते होंगे उनके पास चले जाएं, हम ठीक हो जाएं। लेकिन ये हम सब जानते हैं कि आज जिस युग में हम हैं और जिन चीज़ों को हम समझ रहे हैं, इतना एडवांस हम हुए हैं, मुझे लगता है मेडिकल है, डॉक्टर्स हैं, तमाम चीज़ें हैं, वो हमको पहले देखनी चाहिए। बाकी सबकी अपनी मानता है, सबको समझना है कौन किस में क्या चीज़ों पे ट्रस्ट करता है, लेकिन अंधविश्वास एक ऐसी चीज़ है कि आप इतना ज़्यादा मत हो जाइए कि आपकी हालत बहुत ख़राब है और आप डॉक्टर के पास नहीं जा रहे और आपको लग रहा है कि सिर्फ हम यहीं से ठीक होंगे। तो देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर विचार किया जा सकता है। नितेश, बहुत सारे लोग जुड़े हैं और उनको ऐसा लगा, सबकी अलग अलग हालांकि राय थी, पर वाकई में ये बहुत गंभीर विषय है, प्रशासन को कुछ सोचना चाहिए, जिस तरह के लोग हैं उन पर या तो कार्रवाई की जाए या फिर देखा जाए कि वो हैं कौन एक्चुअल में, उनके पास वाकई कोई साधना उन्होंने की है, कोई शक्तियां हैं, क्योंकि आजकल तो ऐसा नहीं देखने को मिलता। देखिए ये तंत्र विद्या जो है, जैसे आप अंधविश्वास बोले, एक शब्द हो गया अंध, धन विश्वास, विश्वास जब अंधे रूप में किया जाए तो अंधविश्वास हो जाएगा और वो घातक हो जाता। जैसे उनने एक कॉलर ने उसे धर्म से जोड़ दिया कि आप सिर्फ हिंदू धर्म की बात कर रहे हैं, मुस्लिम में भी होती है। तो जो धर्म है तो ये समाज के इसमें ही लोगों में अलग अलग धाराएं हैं, पर हैं तो सब यही मध्य प्रदेश में या हमारे हिंदुस्तान में रहने वाले ही लोग हैं, अलग अलग धर्म को मान्यताओं को वो अपना रहे हैं। विश्वास ऐसी चीज है, लोगों की अपनी अपनी धार्मिक आस्था होती है, विश्वास होती है, पर विश्वास एक सीमा के बाद जब लोग उस चीज़ का, कोई भी हो, अब उसे आप बाबा कहिए, साधु कहिए या और कोई फकीर कहिए, जिसका वो दुरुपयोग करें अपने लालच को लेकर, तो वहाँ पर चीज़ें, वो चीज़ घातक हो जाती है। और पुराने समय से जैसे उनने कहा कि तंत्र विद्या का एक पूरा इतिहास रहा है, लोग बहुत ऐसे लोग रहे हैं जिनमें शक्तियाँ जागृत हैं, तो वो एक्चुअल में अपने तंत्र साधना से अपने, मतलब ऐसा अपना विश्वास इतना ज़्यादा होता था। और आप देखिएगा इन सब चीज़ों में अक्सर जो आम जनता में फंसता कौन है, फंसता वो है जिनमें खुद में आत्मविश्वास की बहुत कमी होती है, नकारात्मक भावनाएं बहुत ज़्यादा अपने ऊपर हावी होती है। साइकोलॉजिकल तौर पे जो व्यक्ति ग्रामीण आदमी है, कमज़ोर है, उस वो बहुत जल्दी इजीली टारगेट हो जाते हैं। एक सिंपल सा उदाहरण आप लीजिए, आप देखिएगा कि आप जैसे नॉर्मल बीमार हैं और आप यदि डॉक्टर के पास जाते हैं तो आप, डॉक्टर ने देखा, उसने सिर्फ पर्चे में दवाई लिखी, अभी आपने दवाई खरीदी भी नहीं तो भी आपको ऐसा लगता है 50% आप ठीक हो गए, और दवाई बाद में उसका असर कर, क्योंकि एक ये आपके साइकोलॉजिकल असर हर चीज़ का बहुत ज़्यादा होता है। इसी चीज़ में यदि आप पहले से अंदर से आप कुंठित हैं, डरे हुए हैं किसी चीज़ से, तो आप में वो भावनाएं बढ़ती जाएगी कि इससे ये हो जाएगा, डर की भावनाएं पैदा, तो आप ऐसे में इन लोगों के पास पहुँचेंगे। और यदि
कोई इसमें भी जो फर्जी लोग हैं, फर्जी बाबा लोग हैं, जो भी आप कहिए, उसके चक्कर में यदि आप फंसे, उसे पता है कि आप पहले से ही डरे हुए हैं, तो वो आपका उस हिसाब से बहुत अधिक शोषण कर सकता है, हर तरीके से कर सकता है, आर्थिक तौर पे कर सकता है। कई घटनाएं, जैसे उन कॉलर ने भी बोला कि शारीरिक शोषण की भी घटनाएं हुई हैं, कई में मर्डर केस भी आए हैं बाद में, तो ये सब हो जाए। इसीलिए विश्वास अपनी जगह है, आस्था अपनी जगह है, पूजा पाठ अपनी जगह है, तंत्र विद्या सब अपनी जगह है, पर लोगों को कुछ अपने स्तर पे भी जागरूक होना बहुत जरूरी है। बिल्कुल, चलिए हमारे साथ भोपाल से सपन कुमार जुड़े हैं। सपन, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? सपन, मेरी आवाज आप तक पहुंच रही है? हाँ जी, जी मैडम जी, अपनी बात रखिए। मैडम, मैं बोलना चाहता हूँ तंत्र क्रिया का महत्व के बारे में। मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे लगता है तंत्र क्रिया में हमेशा हमेशा और हमेशा लोगों को नुकसान का ही सामना करना पड़ता है। इसका कोई उदाहरण मेरे पास है, जैसे आप कोरोना को ले लीजिए। कोरोना महामारी में लोगों ने झाड़ फूंक और तरह तरह के तंत्र मंत्र और बाबा और कोई मंदिर और कहीं कहीं लोग अपने अपने तरीके से लोग उसका उपचार किया है, जिसमें मुझे लगता है सबको ज्यादा से ज्यादा लोगों को नुकसान ही हुआ है। इसमें वर्तमान समय में मेडिकल और डॉक्टर इतना डेवलपमेंट है, लोगों को इनकी सहारा लेना चाहिए, ना कि तंत्र मंत्रों की सहारा लेना चाहिए। कैसे लोगों को जागरूक किया जाता है? हमेशा नुकसान ही होता है। आपको क्या लगता है सपन, कैसे लोगों को इसके लिए जागरूक किया जाए? मतलब सरकार के, प्रशासन के स्तर पर कुछ किया जाए या कुछ और ऐसे अभियान चलाए जाएं, कैसे लोगों को कैसे जागरूक करें? क्योंकि हमने देखा है गांव की यदि हम बात करें, हम पूरे एमपी को लें, दूसरे जगह की भी बात करें, तो निश्चित तौर पर ऐसी बहुत खबरें हम आए दिन देखते और सुनते हैं। सरकार को इसमें सख्ती से कार्रवाई करना चाहिए कि तंत्र मंत्रों पे रोक लगना चाहिए। कोई इस प्रकार की करते हुए कहीं पाया जाता है तो उसमें तत्काल गवर्नमेंट सरकार को इसके एक्शन लेना चाहिए, उनके ऊपर FIR करना चाहिए। चलिए सपन जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, अपना सुझाव हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए, बहुत सारे लोगों की अलग अलग राय है और सभी को ये लगता है कि ये अंधविश्वास है। इस पर पहली बात तो विश्वास करना बिल्कुल बंद कर दीजिए, और दूसरी चीज़, यदि कभी भी कोई प्रॉब्लम होती है तो पहले आप डॉक्टरी ट्रीटमेंट जो होता है वो लीजिए। लोगों को जागरूक करना देखिए आज के समय में थोड़ा सा मुश्किल है, खास तौर पे गांव में, क्योंकि ये चीज़ें बहुत होती हैं, बट करना होगा, करेंगे, कोशिश करेंगे, तभी कुछ हो पाएगा। आपको बता दें हमारे साथ पंडित अरविंद तिवारी भी जुड़ गए हैं इस पूरी चर्चा में। अरविंद तिवारी जी, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, और आज हम चर्चा कर रहे हैं कि क्या है तंत्र क्रियाओं का महत्व, क्या वाकई होती हैं, और ये जो झाड़ फूंक और ये तमाम चीज़ें जो होती हैं, ये किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए क्या वाकई बहुत कारगर होती हैं? तो आप थोड़ा इंग्लिश के वर्जन में समझिए, मैं चूंकि रास्ते में खड़े होकर आपके साथ कर रहा हूँ, समय भोपाल के रास्ते में हूँ, हृदय जी का फोन आया तो मैंने कहा नहीं, मैं जरूर जुड़ता हूँ। बिल्कुल, तो बिल्कुल। मैं आपको बताऊं कि तंत्र को आप इंग्लिश में समझिए, तंत्र को इंग्लिश में सिस्टम कहा जाता है। हम जिस सिस्टम में रहते हैं उस सिस्टम को तंत्र कहा जाता है, और ये अपने आप में तीन चीजों से जुड़ी हुई है, जिसको हम ऐसे भी कह सकते हैं, तंत्र, मंत्र और यंत्र। माने इस सिस्टम को चलाने के लिए कुछ मंत्र होते हैं, जैसे आप अपने कीपैड पे टाइप करते हैं तो आपका मोबाइल या आपका टैबलेट चलने लगता है, और फिर उसके बाद वो यंत्र यानी कंप्यूटर या सिस्टम चलने लगता है। तो ये आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। देखिए, तंत्र को लोगों ने बहुत बीभत्स रूप में लिया हुआ है। तंत्र इतना बीभत्स नहीं है जिसको आज के दौर में करा जाता है। हमारे यहाँ पुराने बड़े बड़े सिस्टम एनालिसिस, जिनको हम तांत्रिक कहा करते थे, वो थे जो मंत्रों के द्वारा ईश्वरीय शक्ति को यहां तक बुला लेते थे। अब देखिए, जैसे आपका मोबाइल लॉक हो जाता है जो कि फेस अनलॉक से खुलता है, या पैटर्न से खोलते हैं, ठीक उसी प्रकार वो मंत्र भी कीलित हो चुके हैं, यानी उनको भी लॉक करके रखा हुआ है। जब तक आप उनको अनलॉक नहीं करेंगे तब तक उन मंत्रों का कोई लाभ नहीं होगा। मंत्र शक्ति अपने आप में बहुत चमत्कारिक होती है, और आप उसको ऐसे मान के चलिए कि जो मंत्र शक्ति होती है, जो वाकई में मंत्रों को जानते हैं, वो कहीं ना कहीं आप उस शक्ति के प्रभाव से बहुत सारी चीजों को ठीक कर लेते हैं। लेकिन आज के दौर में ऐसे ज्ञानियों का खास तौर से खुले क्षेत्र में होना असंभव है। मैं बहुत कम ऐसे लोगों को जानता हूं जो कि वाकई में अपने मंत्रों के द्वारा
चीजों को ठीक करने में की क्षमता रखते थे। आज के दौर में बहुत कम लोग पाए जाते हैं। हाँ, लेकिन आप उनकी ब्लेसिंग्स लीजिए, आप उनकी ऊर्जा लीजिए, जिसके जरिए वो कहीं ना कहीं आपको जरूर लाभ होगा। लेकिन मंत्र शक्ति को हम पूर्णतया ये मान के चले कि उससे ही आपका स्वास्थ्य ठीक होगा, ये संभव नहीं है। आपको चिकित्सा क्षेत्र में डॉक्टर्स के पास जाना पड़ेगा, जो कि तात्कालिक आपको रोग में निदान देते हैं कहीं ना कहीं। तो मेरा मानना है कि आपको उस तरीके से करें और किसी भी चीज में किसी को अंधविश्वास के रूप में ना ले। जो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि कुछ नहीं जानते अपने कुछ अपने कार्यों का, जो कुछ ढिंढोरा पीटते हैं और उसके माध्यम से काम करते हैं, वो किसी भी रूप में ठीक नहीं है। देश, समाज और खासतौर से विभिन्न लोगों के लिए वो घातक सिद्ध होते हैं। अरविंद तिवारी जी, एक बात और है, आजकल जो खबरें हम देखते सुनते हैं, जो गांव तबके में जो लोग होते हैं, देखिए मानता सबकी अपनी अपनी है, लेकिन हम किसी पर व्यक्तिगत सवाल नहीं उठा रहे हैं, लेकिन वहां के लोगों को कैसे जागरूक करेंगे, क्योंकि वो जाएंगे, इसमें कोई गलती नहीं है या परेशानी नहीं है, लेकिन उसकी आड़ में जो क्राइम बढ़ा है वो हम आए दिन सुनते हैं। देखिए, जनता को जागरूक आजकल जो कि सोशल मीडिया है, और गांव ग्रामीण क्षेत्रों में जितना व्हाट्सएप और फेसबुक और दुनिया दीगर जो सोशल मीडिया के जो प्लेटफॉर्म है उनका बाकायदा इस्तेमाल होता है। हमारे जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको जागरूक करने का वहां पर करना चाहिए। बहुत सारी समितियां कलेक्टर के द्वारा बनाई जाती हैं, तो उनको जरूर प्रयास करना चाहिए। वहां पर प्रशासन स्थानीय तौर पर प्रयास करे। हमारे यहाँ चूंकि पंचायत स्तर तक सामान्य प्रशासन की व्यवस्था है, तो उनको भी इन कुरूतियों को दूर करने के लिए जरूर प्रयास करना चाहिए। हालांकि लोग इस बात को लेकर बेहद नाराज हो सकते हैं, लेकिन तर्कों के द्वारा, आपके पास यदि सही तर्क है तो आप उनके द्वारा जरूर आप प्रयास करें, मुझे लगता है उससे आपको अवश्य सफलता मिलेगी। और एक छोटा सा सवाल और, अरविंद तिवारी जी, क्या लगता है आपको कि जिन हम तंत्र क्रियाओं की बात कर रहे हैं, हालांकि आपने बहुत स्पष्ट किया कि पहले के समय में वाकई में एक ऐसे व्यक्तित्व के लोग थे जिनको वो शक्तियां थीं और उससे कहीं ना कहीं बहुत इफेक्ट पड़ता था, आज ऐसे लोग बहुत कम देखने को मिलते हैं, यानी कहीं ना कहीं हम ये माने कि यदि आपको शक्तियां प्राप्त हैं या आपकी साधना उतनी है तो निश्चित तौर पर ये चीज़ें होती हैं और उससे हम ठीक हो सकते हैं, लेकिन हमें इन तमाम चीज़ों के साथ साथ जो मेडिकल फील्ड है, जो डॉक्टर्स हैं, हमें वहां भी जाना चाहिए। निसंदेह, मैं राखी जी, मैं बहुत स्पष्ट रूप से कहूंगा, आज के दौर में देखिए एक साधना की एक प्रक्रिया होती है, उसका अपने आप में एक सिस्टम होता है। आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना पड़ता है, आपको हर एक में ईश्वरीय शक्ति के दर्शन करना पड़ते हैं, यानी आप सबको समभाव यानी समरूपता में देखने की कोशिश करते हैं। और यदि आप उस रूप में देखेंगे, ऊर्जा का ध्यान करेंगे, मध्य रात्रि जो कि अभी हमारे यहाँ गुरुवार से शक्ति की आराधना का पर्व नवरात्र शुरू हो रहा है, तो रात्रि काल में खासतौर से रात को 8 बजे से सुबह 4 बजे तक पूजा होती है, उसमें जब आप ईश्वरीय शक्ति का ध्यान करते हैं तो आपके शरीर में वो ऊर्जा स्वयं उत्पन्न होती है। हम उसको जवारों के रूप में प्राप्त करते हैं और उनका आशीर्वाद लेकर हम अपने आने वाले 6 महीनों तक एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को प्राप्त कर लेते हैं। तो आप भी कर सकते हैं, बशर्ते सही मंत्र, सही योग्य गुरु आपके पास हो, वो आपको सही शिक्षा दीक्षा दे। हालांकि बहुत सारे लोग थोड़ी सी शिक्षा प्राप्त करने के बाद इतना आडंबर और इतना प्रदर्शन करते हैं कि कई बार लगता है कि वाकई में गलत हाथों में गलत ऊर्जा जाती है, तो कहीं ना कहीं बहुत तकलीफ सभी को प्राप्त होती है। बिल्कुल, चलिए, बहुत अच्छी बातें हैं और बहुत काफ़ी विस्तार से हमने चर्चा की, क्योंकि आपने कहा था आप ऑन द वे थे और बहुत जल्दी से हमारे साथ जुड़े। बहुत शुक्रिया पंडित अरविंद तिवारी जी जुड़ने के लिए, मुझे लगता है बहुत अच्छी चीज़ें क्लियर हुई हैं। नितेश, एक बात तो साफ हो गई है कि जो लोग थे पहले या जो लोग वाकई में उन चीज़ों की साधना करते हैं या उन मंत्रों को पढ़ते हैं या उन चीज़ों को समझ रहे हैं, उनके पास शक्तियाँ हैं, और ऐसे बहुत कम लोग हैं, वो आपको ऐसे हर जगह मिलेंगे भी नहीं। अब इसके अलावा जो लोग ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं या ऐसा दावा करते हैं कि हमारे पास ये तमाम चीज़ें हैं या हमें इसकी शक्ति हम ठीक कर देंगे, तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ा अंधविश्वास है और लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए। हम किसी की भावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा रहे हैं, लेकिन उनको थोड़ा सा समझना होगा।
देखिए, ये तंत्र विद्या शक्ति कुछ ऐसी शक्ति नहीं है कि कुछ कर दिया, फूंक दिया तो ऐसा हो गया। पर जो जैसा पंडित जी ने बताया कि वो अपनी पहले पुराने जमाने में बड़े कठिन साधक थे, अपना वो उनका जो दिनचर्या थी, जीवन शैली थी, वो सब में भगवान के रूप को देख के उस हिसाब से अपनी साधना करते थे, साफ मन से करते थे। आज भी ऐसे लोग होंगे, इससे वो नहीं किया जा सकता। पर बात यहाँ पर यह है कि जो ये अंधविश्वास के कारण जो चीज़ें गड़बड़ हो रही हैं, वो इसलिए हैं कि उसकी एक कुछ समस्या ये है कि अपने यहाँ जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है तो उसका कमज़ोर होना है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं छोटी छोटी जगहों पर क्या है? वो बंद पड़े हुए हैं। यदि कोई व्यक्ति रात में बीमार हुआ गांव में, या फिर उसके 3-4 दिन से बीमार है, तो वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बंद पड़ा है, डॉक्टर है नहीं, यदि है तो दवाई नहीं है, तो ऐसे में वो अपने गाँव में ही जो वहाँ पर झाड़ फूँक करने वाला कोई व्यक्ति है तो वो मजबूर है उसके पास जाने में। उसके पास 4 लोग बताने वाले हैं कि वो चले जाओ, वो फलाने दवाई दी थी तो ठीक हो गई। वो झाड़ फूँक करने वाले भी कोई तंत्र विद्या में कुछ ऐसे साधक नहीं है, उनको बेसिक थोड़ी सी दवाइयों का ज्ञान है, वो उसी को कुछ चूर्ण उरण बना दिया दवाई तोड़ के और वही दे दी, और उसी में लोग जो ये चक्र बना हुआ उसी में वो फंसते चले जाते हैं। और इस चीज़ को यदि वैसे देखें कि आज की डेट में इसमें सुधार कैसे किया जा सके, तो हमें जो ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको ठीक करना पड़ेगा। और एक बहुत अच्छा सुधार ये हो सकता है कि हम जो बेसिक अपना जो इलाज के तौर पे प्राइमरी ट्रीटमेंट जो बोला जाता है, तो उसको हमें अपने करिकुलम में भी स्कूलों के जोड़ना चाहिए। जैसे बच्चों में ये पढ़ाई के साथ साथ ये समझ डेवलप हो सके कि कुछ जो लक्षण हैं सामान्य बीमारियों के, वो उसको आइडेंटिफाई कर सके, अपने घर वालों को बता सके कि ये सामान्य लक्षण है, ये फला बीमारी से संबंधित है, हमें अस्पताल जाना चाहिए। ये समझ जब हम बच्चों में धीरे धीरे डेवलप करेंगे, तो अपने आप ये जो अंधविश्वास का फायदा उठा के लोग जो अपना धंधा चला रहे हैं उस पे हम नकेल कस सकेंगे। और साथ में प्रशासन के साथ कड़ी कार्रवाई की जाए और सामाजिक संस्थाओं द्वारा जागरूकता फैलाई जाए, तो इन सब चीज़ों में नियंत्रण किया जा सकता है। और साथ में बिल्कुल जो कि पहले ज़माने में जो उस हिसाब के साधक होते थे, तो वो साधक क्या है, किसी भी मंत्र की वो साधना करता है, तो अपने में जैसे पंडित जी ने बोला कि वो अपने में एक ऊर्जा, सकारात्मक ऊर्जा को वो ग्रहण करता जाता है। वो इतने ऊर्जावान होते थे कि आप उनके पास बैठिएगा तो आपको एक अच्छी अनुभूति महसूस होगी। नकारात्मकता जो इंसान के अंदर जो होती है, नेगेटिव एनर्जी होती है, वो दूर होती थी। तंत्र हो, मंत्र की साधना जो भी है वो यही है। आप बिल्कुल जैसे आप अपने में आप कभी नितेश, मैं बीच में रोक रही, कॉलर हमारे साथ जुड़े जी। हैं मोहम्मद मुश्तकी कुरवाई से, बहुत स्वागत चर्चा में जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम तंत्र मंत्र जो कार्यक्रम चल रहा है, मैडम ये तंत्र मंत्र विद्या जो है, ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो दिखाई तो नहीं देती हैं, पर ये चीज अच्छा या बुरा होना हमारे कर्मों पर निर्भर करता है। लेकिन कई बार जीवन में ऐसी घटनाएं हो जाती हैं जिन पर हमारा कोई बस नहीं होता, इन्हें विज्ञान की नजर में कुछ भी कहा जाता हो, परंतु अभी एक बड़ा तबका यकीन करता है जो होता है लेकिन दिखाई नहीं देता है। तंत्र क्रिया में भगवान शिव को कई रूपों में बनाकर पूजा जाता है, किसी को अपने वश में करने के लिए तंत्र की क्रिया करने वाले मिर्ची पीपल के चूर्ण में नमक मिलाकर शिवलिंग बनाते हैं और इसकी पूजा करते हैं, ऐसी अनेकों क्रियाएं करते हैं। हर धर्म में अलग अलग क्रिया की जाती है जो कि दिखाई नहीं देती है, लेकिन क्या है कि लोगों को जागरूक ना होने के कारण ऐसा होता है। मेरा ये मानना है कि तंत्र मंत्र ये कुछ नहीं है, खाली ये बनावटी चीजें हैं। हाँ, जो लोग पहले होते थे जो साधनाएं करते थे, या अब भी कई लोग साधना करते हैं या उस चीज को सिद्ध कर लेते हैं, तो ये लोग इस चीज का दिखावा नहीं करते, लोगों को उसका अच्छा परिणाम देते हैं, ना कि लोगों में भयभीत भय पैदा करते हैं। ये कई चीजें ऐसी सामने आती हैं जो लोग कहते हैं कि ये चीज इससे ये हो जाता है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए। क्या है किसी भी धर्म में हो, कोई भी कार्य गलत कार्य करने पर कुछ इसका परिणाम तो गलत निकलता है। जैसा आप कर्म करोगे वैसा आपको परिणाम मिलेगा,
ये तंत्र मंत्र तो खाली आजकल के लोगों ने क्या है कि सोशल मीडिया पर अपना अकाउंट बना लिया है, उन लोगों को भयभीत करते हैं या कुछ ऐसी चीजें बताते हैं जिससे इंसान भयभीत हो जाता है। अच्छा, इस तरह के जो लोग हैं मोहम्मद मुश्तकीन जी, आपका कोई सुझाव है जो इससे जुड़े जो प्रशासन के लोग हैं, जिम्मेदार हैं, कि उन तक ये बात पहुंचाई जाए कि जो इस तरह के लोग हैं उनको कैसे रोका जाए, या यदि उनका बहुत ज्यादा अंधविश्वास किसी चीज में है तो फिर क्राइम भी बहुत बढ़ता है, आपने भी ये चीज बताई है, कैसे रोका जाए, कैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं? मैडम, सबसे बड़ी चीज है जागरूकता। इंसान को अपने धर्म के प्रति सारी चीजें करना चाहिए, धर्म के आगे निकल कर नहीं करना चाहिए। ये चीज इसके प्रशासन या शासन इस चीज पे पूरा कंट्रोल नहीं कर सकता है। कोई भी धर्म हो, किसी भी गलत कार्य करने की इजाजत नहीं देता है, तो उसका ऐसी कुछ चीजें, अनेकों चीजें सामने आती हैं जो इंसान अचानक चीजें होती हैं तो इंसान उसको सोचता है कि हम इस तंत्र या विद्या से इस चीज को खत्म कर लेंगे, तो वो कुछ ऐसे लोगों के चक्कर में आ जाता है जहाँ उसको ठगी महसूस होती है, या कई लोग उसको पैसे भी ले लेते हैं उससे, और वो एक तो परेशान तो रहता ही है और दूसरी बात उसको पैसे से भी परेशान किया जाता है, जिसके चलते इंसान उस चीज से निकलने के बजाय और उसी में धंसता जाता है। बिल्कुल, चलिए, बहुत शुक्रिया मोहम्मद मुश्तकीन जी जुड़ने के लिए, और आपने सुझाव भी बहुत अच्छा दिया। मुझे लगता है ये वो आम लोग हैं, ये वो नागरिक हैं, ये वो जनता है जिनके सुझाव बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, और सब लोगों की जब राय आती है तो बहुत कुछ समझ में आता है कि हमारे प्रदेश में, हमारे देश में बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो इन चीज़ों को किस तरीके से समझ रहे हैं, देख रहे हैं, जो सुझाव आते हैं हमें भी उन्हें समझना चाहिए। देखिए, हम फिर कह रहे हैं, आपकी आस्था किसी चीज़ में हो सकती है, आप करते हैं, आप करिए, लेकिन आप अंधविश्वासी मत होइए, ऐसी चीजें उसकी आड़ में मत करिए कि आपको ही उल्टा उसका नुकसान हो। ये इसके लिए जागरूकता वाकई बहुत जरूरी है और आपको थोड़ा सा समझना भी होगा। चलते चलते क्या नितेश, कुछ और आपके इससे संबंधित आप कुछ कहना चाहते हैं, या और कोई बात जो मुझे लगता है लोगों तक पहुंचनी चाहिए? देखिए, हिंदुस्तान में धर्म जो है वो बहुत ही बड़ा आस्था का विषय है, और इसमें किसी भी प्रकार की टिका टिप्पणी करना एकदम बहुत ही खतरनाक होता है। यहाँ पर धार्मिक भावनाएं लोगों की आहत हो जाती हैं, तो उसका कारण ये है कि लोगों में जागरूकता की कमी है, शिक्षा का स्तर बहुत कम है, इसलिए लोग बहुत ज़्यादा उसके प्रति जागरूक नहीं है। और आज भी आप देखिएगा कि जो अपने यहाँ ग्रामीण स्तरों पर ये ज़्यादातर समस्या ये ग्रामीण स्तरों पर है। नितेश, मैं बीच में रोक रही हूँ, आप पूरी बात कीजिएगा। डॉक्टर संजय मीणा हमारे साथ जुड़े हैं चाचौड़ा से, बहुत स्वागत संजय जी जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? डॉक्टर संजय, मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है? जी मैडम। टीवी का वॉल्यूम प्लीज पूरा बंद कर दीजिए और फिर बात कीजिए। जी कहिए, क्या कहना चाहते हैं? मैडम, तंत्र के बारे में, तंत्र क्रियाओं के बारे में हमारी समाज में एक भ्रम फैला हुआ है कि तंत्र ये हो सकता है, लेकिन तंत्र का कुछ ऐसा नहीं है, सिर्फ भगवान की साधना पे जरूर लोग बाग विश्वास करते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में आज भी तंत्र क्रियाएं अपनाई जाती है, लेकिन कभी कभी वो इंसान के लिए घातक हो जाती है, क्योंकि कोई तंत्र के माध्यम से बीमारियों पर भी लोग बाग फोकस करते हैं, जो गलत है। ये अंधविश्वास है इस तरीके का और ये मिथ है। कैसे लोगों को जागरूक करें, क्या किया जाना चाहिए, आपका कोई सुझाव? इसकी जागरूकता के लिए मैडम, सबसे पहले तो ये मतलब अंधविश्वास से लोगों का ध्यान हटाना पड़ेगी, क्योंकि कभी कभी अंधविश्वास के चक्कर में बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो जाती है जिनका रिजल्ट बाद में आता है, जब तक देर हो जाती है। चलिए, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। नितेश, अपनी बात पूरी कीजिएगा। मैं यही कह रहा था कि अंधविश्वास मतलब ये तंत्र मंत्र में जो लोग फंसते हैं या जो भी है, तो वो कुल मिलाकर जो ग्रामीण परिस्थितियां हैं, जो हर तरीके से शिक्षा को लेकर हो, अर्थव्यवस्था को लेकर हो, सब तरीके से जो लोग गरीब हैं
या शिक्षित नहीं है, जागरूकता की कमी है, उन्हीं लोगों में ज़्यादातर ये प्रभाव पड़ता है। कई बार तो देखा जाता है बड़े बड़े लोग भी इस चीज़ों में फंस जाते हैं, बड़े बड़े इनके चक्कर में, और कई लोग इसमें अपनी जान भी गंवा बैठते हैं। तो इसमें तो यही है कि लोगों को ही जागरूक किया जाए तभी वो हो, और जो अपना इंफ्रास्ट्रक्चर है सरकारी तौर पर, ग्रामीण इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसको हमें मजबूत करना पड़ेगा स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में। इसी का मिला जुला तौर पर कुछ समय बाद हमें परिणाम मिलेगा कि लोगों में जब जागरूकता आएगी तो इन सब में ही तभी नकेल कसी जा सकती है। बिल्कुल। बैरसिया से कॉलर जुड़े हैं अमित शर्मा। अमित, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? अमित, मेरी आवाज पहुंच रही है? जी जी जी, अपनी बात रखिए। देखिए, मैं कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से हम खबर चला रहे हैं अंधविश्वास, तो क्या है कि सबसे ज्यादा लोगों को अंधविश्वास पे भरोसा करना पड़ता है, और भरोसा करने के बाद ही उनका इलाज हो जाता है। तो एक उनके साथ भी एक समस्या बन गई है कि जब तक इन पर भरोसा ना करें उनका इलाज नहीं हो पाता। तो एक सबसे बड़ी समस्या है, कहें इसे या बीमारी कहें, कि जब इलाज जब ही मानते हैं, जब एक अंधविश्वास कहीं कुछ बाबा अब जहां तहां बैठे हैं, कई जगह हम देखते हैं कि इस बाबा से ये आराम लग जाता है, इससे ये लग जाता है, इससे ये फायदा होते, तो ठीक नहीं होता, लेकिन एक मन में एक विश्वास होता है कि मैं ठीक हो गया हूं। तो ऐसी तरीके से ये लगता है कि अंधविश्वास चलता रहेगा और लोग इस पर भरोसा करते रहेंगे। कैसे रोक सकते हैं और कैसे कंट्रोल किया जाए, कोई सुझाव आपका? देखिए, सबसे बड़ी चीज यही है कि लोगों को समझदार होना पड़ेगा और भरोसा करना पड़ेगा। तो भरोसा आदमी अंधविश्वास पे ज्यादा करता है, स्वाभाविक सी बात है, इसलिए इसको खत्म करना असंभव ही समझ आ रहा है। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। तो देखिए, एक बात तो बहुत साफ हो गई है, जो चर्चा थी कि तंत्र क्रिया कितनी महत्वपूर्ण होती है या कितना महत्व है, तो बहुत अरविंद तिवारी जी भी हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने भी बहुत स्पष्ट किया कि ये तमाम चीज़ें जो पहले का इतिहास देखिए तो वाकई में उनकी वो साधना होती थी और उनको वो शक्तियाँ होती थीं कि लोग कभी उनसे जाएं या किसी चीज़ के बारे में बात करें तो निश्चित तौर पर उसका प्रभाव दिखता था। लेकिन कुछ टाइम से हम देख रहे हैं कि ये चीज़ें इतनी बढ़ी हैं और हर जगह पर अब उपचार होने लगा है, कुछ कुछ लोगों में इतना ज़्यादा अंधविश्वास है कि वो लोग डॉक्टर के पास भी नहीं जाते हैं। हमने बहुत ऐसी खबरें, बहुत ऐसे केसेस देखे हैं कि कुछ भी होता है तो पहले आप हॉस्पिटल नहीं जा रहे हैं, पहले आप जाएंगे तो झाड़ फूँक कराएंगे। देखिए, मैं फिर यही बोलूँगी, आपका विश्वास यदि है आप करिए, लेकिन डॉक्टरी सलाह बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि सबसे पहले आज के समय में यदि कोई भी परेशानी आपको फिजिकली होती है या आपकी फैमिली में किसी को होती है या किसी भी तरह की प्रॉब्लम है, तो आपको पहले डॉक्टर के पास जाना है, उसके बाद आपकी आस्था है कि आप उसके साथ और चीज़ें क्या करते हैं। लेकिन आप सोचेंगे कि हम डॉक्टर के पास नहीं जाएं और हम सिर्फ इन चीज़ों से ठीक हो जाएं, तो ऐसा नहीं है। और प्लीज़ एक अपील करना चाहेंगे यहाँ पर कि इस तरह की जितनी चीज़ें होती हैं और इसकी आड़ में जितना क्राइम बढ़ा है, उसके लिए प्लीज़ जागरूक रहिए। पहले देखिए सामने वाला व्यक्ति कौन है, वो कितना पुराना है, उसको कितनी शक्तियां हैं, कितने लोग ठीक हुए हैं। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि ये बात सभी कॉलर्स ने बोली है कि एकदम से इस चीज़ को हम दूर नहीं कर सकते, लेकिन इन चीज़ों को दूर करने के लिए हमें अपनी जागरूकता को ज़रूर बढ़ाना होगा। चलिए, उज्जैन से हमारे साथ एक और कॉलर जुड़ गए हैं, राजेंद्र जैन। राजेंद्र जी, बहुत स्वागत जुड़ने के लिए, क्या कहना चाहते हैं? हेलो जी, राजेंद्र जी अपनी बात रखिए। जी, आपने आज का विषय बहुत अच्छा रखा है, इसके लिए तो सबसे पहले आपको बधाई हो। जी, शुक्रिया। और दूसरा मेरा ये कहना है कि जो तंत्र है, हेलो जी बोलिए। हाँ, जो ये आपने विषय रखा है तंत्र, तो जो तंत्र की विद्या है, तो विद्या तो अपनी जगह सही है और तंत्र अपने आप में प्रभावी है, क्योंकि मैं बहुत सारे ऐसे तांत्रिक लोगों के बीच में रहा हूँ और मैंने प्रत्यक्ष रूप से तंत्र का प्रभाव देखा है, उसका असर भी देखा है, कई बार काम पड़ा वो हुआ भी है काम। लेकिन जो तांत्रिक होते हैं असली, तो वो कोई चढ़ावा नहीं लेते, कोई भेंट दक्षिणा नहीं लेते हैं, जो भी खर्च होता है वो उनका अपनी जेब से करते हैं, या आपको ऐसा बता देते हैं कि आपको किसी जगह नारियल चढ़ा देना, कन्याओं को भोजन करा देना, या कुछ और परहेज का काम कर देना, मतलब जानवरों को कुछ खिला पिला देना, इस तरह काम बताते हैं। वो पैसा नहीं लेते, सबसे बड़ी बात ये है, और ये जो पैसा ले रहे हैं वो तांत्रिक नहीं है। जो कहते हैं कि पूजा चाहिए और ये वो सामान लगेगा, 1 लाख रुपए चाहिए, 1,25,000 चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, वो नहीं होता, वो फिर वो व्यक्ति तांत्रिक नहीं है। तो हमको ये चीज देखना चाहिए, और आप
अगर सत्य कहा जाए तो वो जो तांत्रिक थे जो मैंने देखा है तो वो अब तो विलुप्त तो प्राय हो गए, विद्या भी अब तो शायद ही बची है, अब तो ज्यादातर ठग विद्या बची, सही बात अगर पूछा जाए। बिल्कुल ठीक है राजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए। और एक बात आपके माध्यम से भी बिल्कुल स्पष्ट हो गई, जैसा कि पंडित अरविंद तिवारी ने भी कहा था कि जिन लोगों के पास शक्तियां और साधना हैं वाकई में वो इफेक्टिव होती हैं, और आपने भी कहा क्योंकि ऐसे लोगों को आपने देखा है, उन प्रभावों को होते हुए देखा है, लेकिन वो कैसे होते हैं ये भी आपने बताया। तो मुझे लगता है कि जो लोग हैं उस चीज़ को समझें कि जो लोग ऐसे होंगे जिन्होंने साधना करी होगी वो आपसे कभी कुछ मांगेंगे नहीं। देखिए आपकी इच्छा क्या है वहाँ देने की वो अलग बात है, लेकिन आपसे कभी उसके नाम पर कभी कुछ मांगा नहीं जाएगा। ये एक और एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मुझे लगता है जो लोग इन चीज़ों में विश्वास करते हैं वो थोड़ा इन चीज़ों को मुझे लगता है समझेंगे तो अच्छा होगा। और देखिए बहुत महत्वपूर्ण चर्चा थी, अंधविश्वास क्या है, कितना है और करना चाहिए नहीं करना चाहिए, सब कुछ आपके ऊपर है, लेकिन आप अपनी आस्था को रखिए, लेकिन उस आस्था के साथ साथ इतने ज़्यादा अंधविश्वासी मत होइए कि आप अपना सब कुछ लुटा बैठे, मुझे लगता है ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज जिस तरीके से नीलेश, बहुत शुक्रिया आप जुड़े हमारे साथ, बहुत सारे कॉलर्स भी हमारे साथ जुड़े, उन्होंने भी अपना पॉइंट बहुत क्लियर किया। आज हमने चर्चा की थी घातक अंधविश्वास, घातक इसीलिए था क्योंकि जो लोग इसकी आड़ में गलत कर रहे हैं या कहना चाहिए ठगी करते हैं या महिलाओं के साथ जो क्राइम होते हैं उसमें क्या होता है, ये घातक ही तो होता है आपके लिए। तो प्लीज़ थोड़ा सा जागरूक होइए। और मैं फिर जाते जाते एक बात बोलूँगी, आपके आस्था पर सवाल नहीं है, सवाल है कि आप मानिए जिसको मानना है, डॉक्टरी परामर्श भी ज़रूर लीजिए और ज़रूरत से ज़्यादा अंधविश्वासी मत होइए, थोड़ा सा उन चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए और उसके बाद आगे बढ़िए। आज सुनो सरकार में इतना ही, कल किसी नए विषय के साथ मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार।